स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। हम हैं पवित्र हरिद्वार। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पितरों को एक विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं कि जिनके पितर उनसे खुश होते हैं उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, पर अगर किन्हीं के पितर उनसे नाराज हो जाएं तो उनका सर्वनाश भी हो सकता है। अभी हम आए हैं नारायणी शिला पे, जहाँ पर कहते हैं कि साक्षात नारायण भगवान का वास है और इस स्थान पर पूजा करने से पितृ दोष की मुक्ति होती है। यह स्थान हरिद्वार में ही स्थित है और हर की पौड़ी से कोई लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए दर्शन करते हैं नारायणी शिला के और जानते हैं इस स्थान की क्या मान्यता है। त्रिपाठी जी के साथ, जो यहाँ के मुख्य पुजारी भी हैं और महंत जी हैं यहाँ पर। और मनोज कुमार जी ही हमें बताएंगे कि इस जगह का, इस स्थान का, इस पवित्र स्थान का क्या महत्व है। तो प्रभु, मेरे प्रभु, आपने जिस स्थान के दर्शन किए हैं, ये स्थान भगवान नारायण के नाम पे, भगवान का हृदय स्थान है, नारायणी कहलाता है। इसके पीछे कथा है, ये भगवान का कंठ से लेके नाभि तक का हिस्सा है। इसी के चरण गया में, जहाँ विष्णुपाद लोग गया करने के लिए जाते हैं, और ऊपर का हिस्सा बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली, जहाँ किसी भी पितृ का आखिरी पिंडदान होता है। उसके बाद उस भी पितृ को विष्णु स्वरूप कहा जाने लगा जाता है, उसका संकल्प विष्णु सदृश्य हो जाता है। ऐसे स्थान के ऊपर ये भगवान नारायण का कमल स्वरूप बद्री का आश्रम में सतयुग तक विराजता था। इसमें कथा है कि नारद जी की प्रेरणा से गयासुर नामक के राक्षस ने अपनी मुक्ति या मोक्ष के लिए भगवान से बैर करने के लिए बद्रिकाश्रम में गया। वहां से बद्रिकाश्रम में भगवान से गदा युद्ध में भगवान के श्री विग्रह को 3 खंड में विभाजित हो गया। प्रथम खंड बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली कहलाता है, जो की अलकनंदा का जल कम होने से दर्शन दिखाई देते हैं, और कंठ से लेकर नाभि तक का आकाश मार्ग से यहाँ पर स्थापित हुआ। चरण के नीचे दब के गयासुर जिस स्थान पे गिरा, वो स्थान गया कहलाता है। भगवान ने उसकी मुक्ति के बाद उसको आशीर्वाद दिया था, क्योंकि तूने ये सारा कार्य अपनी मुक्ति या मोक्ष के लिए करा है, इसलिए मैं इन तीनों स्थानों के ऊपर, गया, नारायणी शिला और ब्रह्म कपाली पर, सभी देवी देवताओं, नदियों, तीर्थों सहित स्वयं निवास करूंगा, और जो भी व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेगा, मैं उसके पितरों को मोक्ष दूंगा। हरिद्वार में जो ये नारायणी शिला है, इसके विषय में स्कंद पुराण के केदार खंड में स्पष्ट वर्णित है। 115वां अध्याय और 10वां मंत्र कहता है, हरिद्वारे पश्चिमी दिग्भागे शिला परम पावनी नामना नारायणी ख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी। अर्थात हरिद्वार के पश्चिम दिशा में
नारायणी नाम की एक शिला है जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं अगला मंत्र कहता है यस्तत्र पुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम वंशा शतम तथा तारिता पितरस्ते न सत्यम न संचय। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है श्रद्धा पूर्वक, वह अपने पितृ कुल अर्थात पिता बाबा आदि और मातृ कुल नाना नानी आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे पुराणों में वेदों में कहीं पर भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता कि व्यक्ति अपने जीवित रहते अपने मोक्ष के लिए कार्य कर सके। धर्म तप भक्ति करने के बाद कामना की जाती है कि हमें मोक्ष मिले, परंतु यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से व्यक्ति के पितरों को और स्वयं को मोक्ष मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये वो स्थान है। एक और बात इस बारे में मैं बताऊंगा, एक तमिल के एक पांडुलिपि जो कि हस्तलिखित थी उसमें वर्णित है कि यह भगवान का हृदय स्थान है। यहाँ आप जो कहते हैं वो भगवान को अपने हृदय में सुनाई देता है। हमने प्रत्यक्ष रूप से उसका कई बार अनुभव किया। गलत और सही तो ईश्वर जानता है। आप अपने मन से अपनी इच्छा भगवान को कह के जाइए, निश्चित भगवान सुनते हैं, वो कार्य सिद्ध होता है। प्रभु एक प्रेत शिला भी है यहाँ पर। प्रेत शिला का क्या महत्व? जिन लोगों के घर में प्रेत तत्व होता, प्रेत किसे कहते हैं? जो कि पितृ नहीं बन पाया दिवंगत होने के बाद, देश काल परिस्थिति में एक्सीडेंट से डेथ हो रखी है, जल के कोई मरा हुआ है या तंत्र के माध्यम से किसी बंधन में आते हैं, उस दिवंगत आत्मा का वहां पर पूजन करने के पश्चात वो प्रेत तत्व मुक्त हो जाता है और वो अपने पितरों में शामिल हो जाता है, वो है प्रेत शिला। इसीलिए इसका नाम नारायणी शिला और प्रेत शिला है। प्रेत तत्व को मुक्त करने वाली शिला प्रेत शिला। नारायण आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। आपका तो ऑरा ही ऐसा है कि नारायण ने कृपा बनाई दी आपका, कल से मतलब आंखों में चेहरा आता रहा। मैं सेवक हूँ आपका, ये आपकी पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट कर रही है। मैं यही बार बार कह रहा हूँ, उसका कारण हम मनोज मनोज भी कर कई लोगों से मुलाकात होती है सुबह से दिन भर से, परंतु कम लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों की हृदय में स्थान बन जाता है। मेरा सौभाग्य। तो हमने जाना इस स्थान का महत्व, हमने जाना नारायणी शिला के बारे में और प्रेत शिला के बारे में, और दर्शन भी किए। हमारा सौभाग्य रहा कि यहाँ पर हमें दर्शन हुए और मनोज कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई। एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान और पुजारी यहाँ के महंत साहब, इनका शुक्रिया करते हैं। और यदि आप कभी हरिद्वार आएँ तो यहाँ के दर्शन जरूर कीजिए और सभी पापों से मुक्ति पाइए। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। संस्कार जागृत देखा, पवित्र जगहों पे आते ही संस्कार जाग जाते। अच्छा थैंक यू, बच बच बच, गुड बॉय गुड बॉय। पर मिट्टी में ना जाओ, मिट्टी है नहीं, मिट्टी है थैंक यू।